गोवा हर किसी की ट्रैवल बकेट लिस्ट में टॉप पे रहने वाला नाम है, और इसका रीज़न है गोवा की खूबसूरत बीचेस। और मैं भी चला गया गोवा अपनी बकेट लिस्ट का टॉप वाला नाम पूरा करने, और मैं ठहरा माउंटेन लवर जिसको पीस और शांत इलाके पसंद है। मैंने गोवा में देखा कि बीचेस खचाखच भरी हुई हैं, यहाँ वहाँ लोग गंद फैला रहे हैं, मचा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि भाई यहाँ तो नहीं हो पाएगा। पर फिर कुछ रिसर्च करने के बाद मेरे को एक ऐसी बीच मिली जहाँ बहुत ही कम लोग हैं और बहुत ही खूबसूरत वो गोल्डन सैंड बीच है। और ये एक बीच गोवा के साउथ रीजन में है और इसका नाम है ग्रैंड मदर्स होल बीच। और सही में इस बीच को देखने के बाद मेरा गोवा ट्रिप सक्सेसफुल हो गया। और अगर आप भी एक पार्टी एनिमल नहीं हैं और आप चाहते हैं कि थोड़ा आपको पीस वाले इलाके पसंद हैं और आप चाहते हैं कि शांति हो और आप सनसेट देख रहे हो, सूरज डूब रहा हो आपके सामने, तो इससे बेस्ट बीच नहीं मिलने वाली आपको गोवा में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गोवा का मैप दिखाना चाहता हूँ। साउथ गोवा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ये जो बीच है ग्रैंड मदर्स होल बीच, ये साउथ गोवा में पड़ती है। आप देख सकते हैं कोस्टल लाइन के अक्रॉस कितनी सारी बीचेस हैं। यहाँ सब मैं गया था पर थोड़ी क्राउडेड लगी। अगर आप नॉर्थ गोवा में जाओगे तो ओवर क्राउडेड है। तो अब डालते हैं ग्रैंड मदर्स होल बीच और मैं दिखाता हूँ इसकी एग्जैक्ट लोकेशन। तो ये डाला मैंने ग्रैंड मदर्स होल बीच, और ये देखो यहाँ पे है ये बीच। थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ता है, मतलब मिनिमल है, आपको मैं दिखाऊँगा वीडियो में, पर यही है जो है। और ये ऐसी कुछ इमेजेस है, अब मैं आपको रियल लाइफ में दिखाने जा रहा हूँ ये इमेजेस। तो आपको बस क्या करना है, डायरेक्शन लगा के पहुंचना। अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आसपास लोकल से पूछ लेना, बहुत ही हेल्पफुल लोकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गूगल मैप से कुछ ऐसी कुछ लोकेशन में पहुंच जाएंगे। यहाँ हमने की है गाड़ी पार्क, और ये देख सकते हैं ऐसा कुछ लोकेशन। जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो एक पार्क आएगा, पार्क के बीचों बीच से रास्ता जाएगा नीचे बीच को। तो अभी हम उसी पार्क से जा रहे हैं नीचे को। तो बच्चे बच्चों के खेलने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे शाम को आप आओगे सनसेट से पहले तो बहुत ही अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे। और वो रही नीचे ग्रैंड मदर्स होल बीच, ऊपर से इतनी खूबसूरत लग रही है, बस वेट नहीं हो रहा कब नीचे पहुँचते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं दिखाता हूँ कितनी सीढ़ियाँ, क्या हिसाब किताब है नीचे जाने का। तो यहाँ से पार्क के बीचों बीच से सीढ़ियाँ जा रही हैं नीचे, नीचे जाते जाते ये देखो। मैं अपनी लाइफ में ना पहली बार कुछ ऐसा देख रहा हूँ, मतलब कि मैं कभी ज़्यादा कोस्टल एरियाज़ में आया नहीं हूँ। इससे पहले मैंने 2-3 बार सी देखी होगी, पर इतना ब्यूटीफुल नज़ारा ना मैंने कभी नहीं देखा। और ये मैं आपके साथ इस वीडियो के ज़रिए दिखाना चाहता हूँ कि कितना खूबसूरत है गोवा, देख सकते हो आप। और यहाँ रास्ते में टेंपल है, और आते हुए मैं ज़रूर जाऊँगा यहाँ पे दुर्गा माता शिव मंदिर। और ये जो बीच है ना, ये पूरी भरी हुई है शेल से, और आपको मतलब कि होप है कि आपको कुछ अच्छे शेल मिल सकते हैं यहाँ पर, अगर आप शेल कलेक्टर हो तो। तो अभी तक तो आपको पता लग ही गया हो क्यों मैं इस बीच की इतनी तारीफ़ कर रहा था शुरू में। आप देख सकते हैं कितनी ही पीस है यहाँ पे। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं ना तो आप काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं यहाँ पे। बच्चे खेल सकते हैं ऐसे, देखो कितने बच्चे भी खुश, आप भी खुश, और जिसको सुकून चाहिए वो उसके लिए तो यार जन्नत है ये जगह। आम सनसेट से मतलब अगर आप बीच पर आ रहे हो ना तो बीच के सनसेट कुछ डिफरेंट हिट करते हैं। अगर आपने कभी देखा नहीं होगा ना तो प्लीज़ एक बार जाके ट्राई करना कि बीच पे सनसेट कैसे होता है और कितना ही खूबसूरत नज़ारा होता है वो। और ख़ासकर अगर ऐसी गोल्डन सैंड बीच हो तो 4 चांद लग जाते हैं उस पर। और जैसे कि लोग बोलते हैं नहीं, कोई बोलता है सन कीस्ट, कोई ये असली वो सन कीस्ट और गोल्डन आर। तो अगर आपको नज़ारा लेना है इस सन कीस्ट गोल्डन आर का तो आपको आना होगा इस ग्रैंड मदर्स होल बीच पर, जो कि मैंने लोकेशन आपको मेंशन कर दी है कहाँ पे है। और वीडियो में आप पूरा देख रहे होंगे कि कितने ही लोग हैं। अभी थोड़ी देर में मैं ड्रोन शॉट भी लूँगा, और आप बने रहिए इस वीडियो में और पूरा इन्जॉय कीजिए।
तो भाई सनसेट हो चुका है, तो देखो सूर्यदेव चले गए हैं। अब चलते हैं हम वापस अच्छी बीच है। यहाँ जो बीच पे लोकल है ना, ये सारे इसमें शेल ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे शेल हैं। कुछ ढूंढ के दिखाता हूँ उनको। सूर्यदेव हो चुके हैं अस्त, और हो चुका है भाई अपना बहुत प्यारा सा सनसेट, आपने देखा ही होगा इस वीडियो में। और अभी समुद्र खतरनाक मोड़ लेने की कगार पे है, क्योंकि हाई टाइड चल रही है इस टाइम। जो यहाँ पे लाइफ गार्ड थे वो भी बोल रहे थे कि आप थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे आ जाओ, तो अभी हमने डिसाइड किया कि अभी हम चल रहे हैं यहाँ से। बहुत ही अच्छा आज का हमारा बेस्ट इवनिंग रही है, वन ऑफ द बेस्ट इवनिंग मेरी ज़िंदगी की आज मैंने बिताई है ग्रैंड मदर्स होल बीच पे। तो आप भी आ सकते हैं यहाँ पे, लोकेशन मैंने मेंशन की है, वीडियो बताने कैसे लगी। और अभी हम चलते हैं दुर्गा माता शिव मंदिर में, माथा टेकते हैं। फ़ोन नहीं लेके जाएंगे, फ़ोन रखेंगे बाहर। तब तक आप कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसे लगी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।